दोस्तों अभी हाल ही में एसआरके अपनी जवान की पोस्ट शूटिंग में, पोस्ट एडिटिंग में, पोस्ट डबिंग में बिजी अपने स्टूडियो में मुंबई में ही। और जब वहाँ पे अपनी शूटिंग में मतलब बिजी थे, कुछ मतलब उसके डबिंग कर रहे थे, वॉइस ओवर कर रहे थे, तो उसी बीच उनके एक क्रू मेंबर ने उनको बताया कि प्रभास की आदिपुरुष का दमदार खतरनाक ट्रेलर आ चुका है। और आप जानते भाई उसको आए हुए 8-9 दिन हो चुके हैं और उसने अब तक 78 मिलियन मतलब 7.8 करोड़ व्यूज बटोर लिए। और भाई उन्होंने देखा, अपने किंग खान ने देखा उनका वो ट्रेलर, भाई उनकी बोलती बंद हो गई। मतलब ओहो, मतलब उन्होंने लास्ट मूवी प्रभास की देखी थी बाहुबली 2, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे उसका रिएक्शन दिया था, उनका बहुत खुल के सपोर्ट किया था कि भाई उसमें अपने हिंदी की उसमें डबिंग थी ना, मतलब बहुत ही तगड़ी हिट हुई थी अपने बॉलीवुड में। तो अभी जब उन्होंने देखा प्रभास का हिंदी ट्रेलर पाए तो बिल्कुल आंखें खुली खुली, मुंह खुला खुला रह गया। उन्होंने बोला कि क्या ही कन्विंसिंग इम्पैक्टफुल स्टोरी है और क्या ही माइंड बॉगलिंग एक्टिंग है और क्या ही इसका VFX। दोस्तों आप सब जानते हैं कि किंग खान ने अपने टाइम पे मतलब 10 साल पहले रावण मूवी की थी, उसमें भर भर के VFX था भाई उस टाइम का VFX। और आज के टाइम का VFX आप जानते हो कितना गंदा होता, मतलब आपने भी हम देखे भोला में कितना बेकार था भाई VFX, ओ हो, और कितना ज़्यादा ट्रोल हुआ था आदिपुरुष का टीजर भी। बट भाई जो ट्रेलर आया ना आदिपुरुष का, क्या दमदार यार, कन्विंसिंग यार, कितना इम्पैक्टफुल, आपके अंदर माइंड को हिट करता है। तो यही कुछ भाई बड़ी बड़ी चीज़ें भाई, मतलब कृष्ण का जो है ना वो सीता मैया का रोल, वो आँखों में नम आँखें और मतलब वो सैड वाला वाइब्स, और प्रभास का भाई वो एटीट्यूड वाला राघव वाला करेक्टर, और लक्ष्मण का मतलब भाई वाला रोल, मतलब ऐसी चीज़ें, और हनुमान का भाई वो ओहो दिल को छू जाने वाला रोल और कहानी भाई, ये सब बारीकी वाली चीज़ें भाई SRK ने अपने किंग खान ने नोटिस की हैं और बहुत ही खुश हुए हैं। और वो चाहते हैं कि अब बॉलीवुड वर्सेस साउथ कभी ना हो और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आती रहें और अपने इंडियन सिनेमा का नाम ऊंचा लेके जाएं। दोस्तों आप जानते हैं कि जवान अभी आने वाली है सितंबर के महीने में, 7 या 8 सितंबर को, बट उससे पहले भाई आदिपुरुष का डंका बजने वाला पूरे 2 महीने, जून जुलाई, क्या पता अगस्त में। पर अगस्त में तो यार अपनी गदर 2, एनिमल और एक फिल्म मूर्ति बड़ी सी ये आने वाली है, तो देखते हैं क्या कमाल कर पाएगी आदिपुरुष। अगर आपने अब तक आदिपुरुष का ट्रेलर नहीं देखा दोस्तों, क्या कर रहे हो, अभी जाओ यूट्यूब पर करो फिर से और देखो भाई, और कमेंट में लिख के आना जय श्री राम, या तो वहाँ लिख दो या फिर मेरे इस पे लिख दो वीडियो पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तब तक बाय गाइज़।